अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, बियॉन्ड द किचन में आपका वेलकम। आज हम लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी जूसी चिकन तंदूरी की रेसिपी, जिसके लिए हमने एक अदद चिकन लिए है। इसको हमने इस तरह से 4 पीस में कट किया है। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें है, नमक है टेस्ट के हिसाब से, वाइट पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर है 1 टेबलस्पून और काला नमक है 1/2 टीस्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक बड़े बर्तन में जो है चिकन लिया है, हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे जो हमने बारीक चॉप करके रखे है, अदरक लहसुन का पेस्ट हो जाएगा, चाट मसाला पाउडर है, वाइट पेपर पाउडर, काला नमक और जो है नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरह से चिकन पे जो है रब करना है, मलना है सब मसाले को। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी बनती है चिकन तंदूरी। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमने जो है चिकन पे डीप कट्स लगाए थे इस तरह से, मसाला हमने अंदर तक अच्छी तरह लगाना है ताकि जो हम मसाले का फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरह आ जाए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। चिकन जो है मैरिनेट होने तक हम दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। और हम आपको बताने भूल गए कि चिकन में हमने 1 टेबलस्पून तेल भी डाला था। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम जो है दही लिए है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्च है। आप जो है हरी मिर्चें आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कीजिए। 1 कसूरी मेथी है ड्राई, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक जो है टेस्ट के हिसाब से जाएगा। हमने चिकन को मैरिनेट करने में भी पहले नमक यूज़ किए हैं तो आप वो हिसाब से ही डालिएगा। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, चाट मसाला जो है 1/2 टेबलस्पून है, और यह है काला नमक जो कि 1/2 टीस्पून ले रहे हैं। सारी चीज़ों को जो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जो हम इसमें तंदूरी फूड कलर डालेंगे, साथ ही तेल डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मसाला हमारा तैयार है। अब जो हमने चिकन रखे हैं हम इस पर मसाला लगा लेंगे। अच्छी तरह से मसाला लगाना है।
अपने जो कट्स दिए हैं इनमें अच्छी तरह से मसाला हमें रब करना है ताकि जो हमारे मसाले का फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। तो चिकन जो है हमारा मसाला लग के अच्छी तरह तैयार है। अब हम इसे कम से कम 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। इसी तरह से आप ओवरनाइट भी रख सकते हो, उतना अच्छा रिज़ल्ट रहेगा इसका। और आप इसे फ्राई पैन में भी कर सकते हो, ओवन में भी और तंदूर में भी। देखिए यहाँ पे चिकन जो है 4 से 5 घंटे तकरीबन मैरिनेट हो चुकी है अच्छी तरह से। और हम ये यहाँ पे बाहर जो है अंगारों पे से रोस्ट करेंगे। अंगारों पे जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसे टर्न कर लेते हैं। आप जो है इसे पैन में या ओवन में भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह गल चुकी है चिकन। देखिए हम इस तरह से इस पे ऑयल लगाएंगे। आप जो है ग्रिल पैन में भी करते हो तो इसी तरह से करना है। देखिए चिकन जो है तकरीबन हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी यम्मी जो है चिकन तंदूरी रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।